जहां प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार लगातार सजग नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल आज से एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत होगी। 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। 588 पेट्रोलिंग टीम तैनात की जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई जगहों पर प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार अब सजग नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि ग्रैब 1 ग्रैब 2 भी लागू किया जा चुका है। इसके अलावा एंटी डस्ट कैंपेन और एंटी स्मॉगन को भी प्रदूषण के रफ्तार को कम करने के लिए लगाया गया है। वहीं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये अभियान भी शुरू किया गया है। लेकिन अब एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत होगी। बता दें कि इस दौरान 588 पेट्रोलिंग टीम तैनात की जाएंगी। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार लगातार सजग नजर आ रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत आज से होगी और इसमें 1 महीने तक ही अभियान चूंकि चलाया जा रहा है, तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोलिंग टीमें जगह जगह तैनात की जाएंगी। 588 पेट्रोलिंग टीमें होंगी जो अलग अलग जगहों पर तैनात की जाएंगी। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रणय, लगातार दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदूषण में कहीं से भी कमी देखने को नहीं मिल रही। दिल्ली की जनता दम घुटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, लेकिन अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक अलग अभियान की शुरुआत की जा रही है। एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत आज से होगी, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग टीमें तैनात की जाएंगी। कुल 588 पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती होगी अलग अलग जगहों पर। क्या इससे अब दिल्ली के प्रदूषण में कुछ ब्रेक लग पाएगा? बिल्कुल, देखिए कोशिशें लगातार इस बात को लेकर उठाई जा रही हैं कि किसी तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट आ सके, और यही वजह भी है कि हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी ओपन बर्निंग जो अभियान है वो चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 588 पेट्रोल टीमिंग जो टीमें हैं वो तैनात की जाएंगी। इसके अलावा ये जो टीमें हैं वो निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी, वो जगह जगह जाकर ये सुनिश्चित करेंगी कि कहीं ओपन में बर्निंग ना की जा रही हो, और खासतौर से किसान जो है वो पराली ना जला रहे हो, उनके लिए मुख्य तौर पर जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और कोशिश इस बात की ही है कि किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट आ सके। जो कल भी बैठक हुई थी उसमें पर्यावरण विभाग के लोग थे, एनसीडी थे, एनडीएमसी के विभाग थे, डीडीए राजस्व विभाग के थे, तो तमाम जो कई विभागों के अधिकारी थे वो इसमें मौजूद थे, और विंटर एक्शन प्लान पर भी चर्चा की गई थी। और साथ ही में ये जो नया अभियान आज से शुरुआत किया जा रहा है, जिसे एंटी ओपन बर्निंग अभियान का नाम दिया है, इसको लेकर भी चर्चाएं की गई थी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इस अभियान को लेकर जो सरकार है वो सजग रहेगी, और अभियान को लेकर जो टीमें हैं वो ये सुनिश्चित करेंगी कि कहीं भी ओपन बर्निंग ना की जा रही हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।